दोस्तों अगर कॉमेडी की बात हो तो कपिल शर्मा का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। पिछले साल कम टीआरपी के चलते कपिल शर्मा का कॉमेडी शो बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार कपिल शर्मा ने दमदार वापसी की है। इस बार द कपिल शर्मा शो ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कपिल के इस शो का लोगों को बेसब्री से इंतजार था और शो आते ही लोगों की ये पहली पसंद बन गया है। आज मैं आपको इस शो में काम करने वाले कलाकारों को कितनी सैलरी मिलती है वो बताने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में घंटी के निशान को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कपिल शर्मा शो में एक चंदू चाय वाला का जो किरदार निभाता है चंदन प्रभाकर। जी हाँ, हम चंदन प्रभाकर से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि चंदन प्रभाकर को एक एपिसोड के कितने रुपए मिलते हैं। दोस्तों द कपिल शर्मा शो में नौकर का किरदार करने वाले कलाकार चंदन प्रभाकर की प्रति एपिसोड सैलरी लगभग 4 से 5 लाख रुपए है। जी हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे कीकू शारदा। कीकू शारदा द कपिल शर्मा शो में अलग अलग किरदार निभाने वाले कलाकार कीकू शारदा को प्रति एपिसोड लगभग 5 से 6 लाख रुपए मिलते हैं। कीकू के सभी किरदारों को लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सुमोना चक्रवर्ती, जो सरला के रूप में आपको द कपिल शर्मा शो में दिखाई देती हैं। कभी कपिल की पत्नी तो कभी कपिल की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने वाली सुमोना चक्रवर्ती की प्रति एपिसोड सैलरी लगभग 5 से 6 लाख रुपये रहती है। और इस बार भारती सिंह ने भी द कपिल शर्मा शो में एंट्री की है। क्या आप जानते हैं कि भारती को कितने रुपए मिलते हैं एक एपिसोड के? तो आपको बता देते हैं, 6 से 7 लाख रुपए लेती हैं भारती सिंह कपिल शर्मा शो में एक एपिसोड को करने के। उसके बाद हम बात करेंगे कृष्णा। जी हाँ, कृष्णा अभिषेक को एक एपिसोड में कितना रुपया मिलता है ये शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो में पहली बार कृष्णा अभिषेक की एंट्री हुई है। कृष्णा की कॉमेडी को लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कृष्णा को प्रति एपिसोड 7 से 8 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे रोशेल राव की। रोशेल राव कभी कभी शो में दिखाई देती हैं, सभी एपिसोड में ये एंट्री नहीं करती हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती और इनके मॉडल रोल को देखते हुए काफ़ी अच्छा वो एपिसोड जाता है और ये एक एपिसोड को करने के 3 से 4 लाख रुपए लेती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू कितना रुपया लेते हैं कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड का, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक एपिसोड के 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिनका कोई भी रोल एपिसोड में नहीं होता है, सिर्फ हंसने के और एक शायरी करने के। उसके बाद हम बात करेंगे खुद कपिल शर्मा की। जी हाँ, कपिल शर्मा कितना कमाते हैं, कितनी उनकी सैलरी है, कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी बेस पे है, एपिसोड बेस पे है, ये सारी बात हम आपको बताने वाले हैं कि कपिल शर्मा सीधे सीधे तौर पर एक एपिसोड के कितना रुपए लेते हैं। आप गैस भी नहीं कर सकते दोस्तों, कपिल शर्मा अपने एक एपिसोड के 70 से 80 लाख रुपये लेते हैं, जो सीधे तौर पर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के साथ जो उनका करार हुआ है वो 70 से 80 लाख रुपए प्रति एपिसोड में हुआ है, जिसका वो चार्ज करते हैं और लोगों को हंसाते हैं। तो ये थी वो वीडियो जिसमें सभी कलाकारों को कितना कितना पेमेंट दिया जा रहा है कपिल शर्मा शो में, वो हमें आपको बता दिया है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताइए, कैसा लगता है आपको कपिल शर्मा का ये शो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।